विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और बजरंग दल के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया गाजीपुर में थे और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में धन्यवाद यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या में 22 मार्च को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, जो हमारे हिंदू समाज के लिए गर्व का विषय है। इसी राम मंदिर के लिए हम लोगों ने सालों तक आंदोलन किया और कार सेवकों को बलिदान दिया है। इस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मंदिर निर्माण में कार सेवकों की अहम भूमिका रही है। बिना कार सेवकों के भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव ही नहीं था और हम अब उन्हीं कार सेवकों के उनके घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं और 22 जनवरी को उद्घाटन के बाद 24 जनवरी को जिन कार सेवकों के साथ हमने लाठियां खाई थी, उन्हीं कार सेवकों के साथ हम रामलला का दर्शन 24 जनवरी को करेंगे। भारत और मालदीव के ताजा रिश्तों पर पूछे गए एक सवाल पर उनका जवाब था कि मालदीव के बहाने चीन हमें घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत सरकार को चाहिए कि वो इसका मुंहतोड़ जवाब दे। वहीं ईरान और पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में उन्होंने कहा कि भारत को तटस्थ होकर देखना चाहिए। शुंभ और निशुंभ आपस में लड़ रहे हैं तो जाहिर है भारत को सिर्फ देखने से मतलब होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिल गया है और मैं 21 जनवरी की शाम तक अयोध्या पहुंच जाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक बात फिर दोहराई कि जिन कार सेवकों का त्याग और बलिदान राम मंदिर के निर्माण में लगा है, उन कार सेवकों के साथ वो 24 जनवरी को एक बार फिर से रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। 125 दिया और यही पैसे से हम 32 वर्षों तक पत्थर खरीद कर मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम करते रहे। आज जो मंदिर बना है उसमें वह पत्थर है जो 32 साल से तराशे गए थे। अयोध्या की और राजस्थान के पिंडवाड़ा के कार्यशाला वर्कशॉप में और जो मंदिर बन रहा है उसमें 8 करोड़ हिंदुओं के 125 का योगदान है। 22 तारीख को घरों में दीप प्रज्वलित करके दुनिया भर का हिंदू यह विजय का उत्सव मनाएगा। 22 तारीख को सीमित संख्या अयोध्या आ पा रही है और लाठी गोली खाने के लिए तो लाखों कार सेवक आए थे, इसलिए 24 जनवरी को हमने कार सेवकों को अयोध्या भव्य मंदिर में दर्शन के लिए निमंत्रित किया है कि लाठी गोली खाने में हम साथ में थे, अब भव्य मंदिर का दर्शन भी साथ में करेंगे और 24 जनवरी को जो कार सेवक आएंगे उनका मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर तिलक करके मैं स्वयं स्वागत करके उनको धन्यवाद करूंगा कि आपकी लाठी गोली खाने से ही यह मंदिर बना है। मुझे निमंत्रण पत्र मिला, मैं 21 शाम को पहुंचकर 22 को रहूंगा और 24 को भी जो कार सेवक आएंगे उनके सम्मान के लिए मैं मंदिर के दरवाजे पर बाहर खड़ा रहकर सम्मान करूंगा। हटाने के लिए इस विषय में क्या कहेंगे? मालदीव की घटना हमारे सुरक्षा के लिए खतरा खड़ी कर रही है, चाइना हमें घेर रहा है, इसलिए मालदीव की घटना, ये मालदीव नहीं है, चाइना भारत को घेर रहा है। जैसे 12 करोड़ अरबों के बीच 1 करोड़ यहूदी इजरायलियों ने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की, भारत को अपनी सुरक्षा की इजरायल की भांति सुदृढ़ व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा विश्वास है मोदी जी, अमित भाई, योगी जी यह सब करके भारत को सुरक्षा प्रदान करवाएंगे। यूपी न्यूज 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।